बुरी आदतों को अगर समय पर ना बदला जाए तो वो आदतें आपके समय को बदल देती हैं। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक और जापान के लोगों की 8 ऐसी आदतें जो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और सबको सीख लेनी चाहिए। आइए उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1 है टॉयलेट क्लीनिंग। जापान के लोग कहा जाता है कि रोजाना अपने घर के टॉयलेट को क्लीन करते हैं। यहां तक कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें यही सिखाया जाता है कि अपनी क्लास को साफ कीजिए, यहां तक कि बाथरूम भी साफ कीजिए, क्योंकि साफ सफाई वहां पर पढ़ाई का एक अहम हिस्सा है। सारे बच्चों को मिलजुल करके ये टॉयलेट क्लीनिंग का काम करना होता है। जापान में बच्चों को टॉयलेट्स क्लीन करने होते हैं। इसे वहां के लोग कल्चर यानी कि संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसको ओसोजी कहा जाता है। फेंग शुई मान्यताओं और लायन कॉरपोरेशन का एक सर्वे बताता है कि शौचालय की सफाई करना गुड फॉर्च्यून लेकर आता है, लक बढ़ाता है और आपको और ज्यादा मिलनसार और विनम्र यानी कि हम्बल बनाता है। यहां तक कि वहां एक बड़े बिजनेसमैन है, ऑटो सप्लाई और पार्ट्स रिटेलर येलो हैट कंपनी के सीईओ हैं श्री हिदेसाबुरो कागियामा, जो पर्सनली अपने ऑफिस का जो उनका खुद का जो टॉयलेट है उसे क्लीन करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इससे बहुत सारे फायदे मिले। मैं विनम्र हो गया हूं, मेरे अंदर जुनून डेवलप हुआ है, मेरे अंदर शुद्ध हृदय की भावना आई है। वो कहते हैं कि जब आप टॉयलेट क्लीन करते हैं तो आप मिलनसार हो जाते हैं, आप विनम्र हो जाते हैं और आप किसी भी काम को बड़ा छोटा करके नहीं देखते, आप सबको समान रूप से देखना शुरू करते हैं। तो जापान के लोगों की ये आदत जो हमें सिखाती है कि अपने टॉयलेट्स को क्लीन कीजिए, आपके अंदर हम्बलनेस भी आएगी, विनम्रता के साथ साथ एक जुनून आएगा कि मुझे अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और किसी को भी कम नहीं आंकना है। दूसरे नंबर की आदत है जापानीज लोगों की ओजीगी, यानी कि सामने वाले का झुक करके अभिवादन करना। आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस देखे होंगे जिसमें जापानीज लोग एक दूसरे को झुक करके नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम कहते हैं। ये जापानीज कल्चर को दर्शाता है जिसमें सामने वाले का उतना ही सम्मान किया जाता है जितना कि स्वयं का हम चाहते हैं। ओजीगी का जो प्रयोग है, लोग वहां पर नमस्ते कहते हुए, अलविदा कहते हुए, यहां तक कि जो ग्राउंड स्टाफ होता है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है तो एयरलाइंस में बैठे जो पैसेंजर्स होते हैं, जो क्रू होता है, उनको ओजीगी के माध्यम से धन्यवाद देता है और नमस्कार करता है। वहां पर ये कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे यहां पर भी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग इस आदत को धीरे धीरे भूल रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान किया जाता रहा है चरण छू करके, हमारे यहाँ पर दंडवत प्रणाम की आदत रही है। प्रणाम करने को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जो कि धीरे धीरे थोड़ा सा दूर हो रहा है। हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, इस आदत को फिर से अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। नंबर 3 आदत है इनेमुरी। इनेमुरी का मतलब है ऑफिस में या किसी पब्लिक प्लेस पर एक झपकी ले लेना, आधे घंटे की नींद ले लेना या एक घंटे की नींद ले लेना। हालांकि हमारे देश में इनेमुरी का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हमारे यहां पर अगर कोई वर्क प्लेस पर सोता हुआ पाया गया तो बॉस उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये बात जापान में जापानीज लोगों पर लागू नहीं होती। इस बात को वहां बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि जब वहां आर्थिक उन्नति का समय चल रहा था, इकोनॉमिकल ग्रोथ का समय चल रहा था, तो अखबारों में इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते थे कि क्या आप अपनी नींद का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने अपने काम को इतना ज्यादा शुमार कर लिया जिंदगी में कि नींद पीछे चली गई। धीरे धीरे वापस उस नींद को और काम के जो बैलेंस है उसको सही करने के लिए इनेमुरी को लाया गया। इनेमुरी का मतलब है वर्क प्लेस पर या पब्लिक प्लेस पर आप छोटी सी नींद ले लीजिए, जिससे कि आपके अंदर फिर से एनर्जी आ जाए। और बहुत सारी रिसर्च बताती हैं कि हमें अपनी नींद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आप गुड स्लीप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आपका दिन जो है बेहतरीन जाता है, आप परफेक्ट एनर्जी के साथ में काम कर रहे होते हैं। तो इनेमुरी को आपने वर्किंग कल्चर में अपनी लाइफ में धीरे से शामिल कर सकते हैं और अपने बॉस को भी बताएं कि इनेमुरी के बहुत सारे फायदे हैं। चौथे नंबर पर एक बहुत ही छोटी सी आदत है लेकिन काम की आदत है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर यह आदत धीरे धीरे पीछे जा रही है। हम किसी भी शोरूम में जा रहे हैं, किसी भी दुकान पर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, शूज पहन करके ही चले जाते हैं। जापान में ऐसा कल्चर नहीं है। वहां टाटामी एक पुआल की बनी हुई चटाई होती है जिससे फ्लोर ढका जाता है, उस पर जूते पहनकर चलने से फ्लोर फट जाता है, इसलिए जूते पहले ही उतार दिए जाते हैं। इनफैक्ट घरों में जाने पर भी जापानीज लोग जो है अपने जूतों को व्यवस्थित तरीके से खोल करके अंदर जाते हैं। हमारे यहाँ कल्चर पहले हुआ करता था लेकिन ये आदत भी धीरे धीरे जा रही है। ये आदत हमें समझाती है कि जब भी आप शूज उतार करके किसी के घर में जा रहे हैं, पहले तो आप शूज उतार दें ताकि उसके घर में बाहर की गंदगी अंदर ना जाए। कुछ लोगों को लगता है कि हम शूज पहनकर ही अगर लिविंग रूम में भी चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस आदत को वापस अपनाना चाहिए, शूज बाहर उतार करके सामने वाले के घर में जाना चाहिए। और जब आप शूज उतारें तो ध्यान दें कि आप ऐसे ही खोल करके ना चले जाएं, बहुत ढंग से उन्हें जमा करके व्यवस्थित करके ही किसी के घर में अंदर प्रवेश करें। नंबर 5 पर जिस आदत की बात करने जा रहा हूं, जापानीज लोग खाने से पहले अपने हाथों को अपनी छाती के सामने लेकर आते हैं और एक शब्द कहते हैं जो है इतादा की मासू। इतादा की मासू
ये शब्द स्कूल्स में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, जहां कहीं भी वो हैं और भोजन शुरू करने जा रहे हैं, दफ्तर में अगर हैं, कैंटीन में हैं, तो इतादा की मासू कहते हैं। दोनों हाथों को छाती के सामने रखने की मुद्रा को गैशो कहा जाता है और जो शब्द बोला जाता है वो है इतादा की मासू। ये उनकी एक मान्यता है जिसके अनुसार भोजन बनाने वाले को, भोजन में जो सामग्री है उसको, अन्न को, हर व्यक्ति को जो इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुआ है उसको आभार देने के लिए इतादा किमासू कहा जाता है। जापानीज कल्चर का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये आदत हमारी भी हुआ करती थी। स्कूल्स में हमने भी भोजन मंत्र के साथ ही भोजन की शुरुआत की, प्रेयर के साथ ही लंच की शुरुआत की, लेकिन जब बड़े हुए तो धीरे से इस आदत को भुला दिया। हालांकि अभी भी भारत में स्कूल्स में भोजन मंत्र के साथ ही भोजन की शुरुआत करवाई जाती है, प्रेयर के साथ ही जो है लंच की शुरुआत करवाई जाती है। इस आदत को कभी ना भूलें। आप जब भी अन्न ग्रहण करने जा रहे हैं धन्यवाद दें और उसके बाद अन्न ग्रहण करें। नंबर 6 की आदत जो है बहुत सारे आपके झगड़े सुलझा सकती है। सुमी मासेन कह दीजिए जब आपको फॉर्मली किसी को सॉरी कहना है, और गोमेन नासाई कहिए जब आप इनफॉर्मली कहना चाहते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। जापान के लोग जितने मॉडर्न हैं उससे कहीं ज्यादा वो ट्रेडिशनल हैं और रिश्तों की कद्र करने वाले हैं। इसीलिए उस देश में बच्चों को बचपन से कहा जाता है कि अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए और उसके लिए बकायदा अपॉलोजीज मांगिए, यानी कि गोमेन नासाई कहना शुरू कर दीजिए। जापान में जब भी किसी व्यक्ति से गलती होती है या अनजाने में किसी का नुकसान हो जाता है तो नुकसान की भरपाई के पूरे पैसे भी दिए जाते हैं और साथ में एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें बकायदा सॉरी जो है वो मांग लिया जाता है, माफी मांग ली जाती है, ताकि किसी को उनकी वजह से परेशानी ना हो। और सिर्फ पर्सनली नहीं बल्कि पब्लिकली भी वहां पर जो है सॉरी मांगने का चलन है। उस देश में ट्रेन अगर 2 मिनट लेट हो जाती है तो रेलवे जो है वो सार्वजनिक माफी मांगता है। होटल में अगर 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाता है तो पब्लिकली जो है एक लेटर चस्पा किया जाता है और उस पर सॉरी मांगी जाती है। जापान में अगर कोई ट्रेन 1 घंटा देरी से चले, पहली बात तो ऐसा सोचा नहीं जा सकता, और अगर ऐसा हो जाए तो बकायदा अगले दिन वो अखबार की हेडलाइंस बन जाती है। जापान का जो रेलवे उसने एक बार सबका दिल जीत लिया था, सिर्फ एक बच्चे के लिए ट्रेन चलाई थी, ये बच्ची अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके इसलिए वो ट्रेन चलाई गई। शिराताक स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन गई, एक बार स्कूल छोड़ने के लिए और एक बार उस बच्ची को स्कूल खत्म होने के बाद उसे घर छोड़ने के लिए। कहा गया कि जब तक ये बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उस रूट पर ये सेवा जारी रहेगी। 2016 में उस लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फाइनली उस ट्रैक पर जो है ट्रेन को बंद किया गया। 1932 में उस ट्रैक पर इस ट्रेन को चलाने की शुरुआत हुई थी, बहुत कम पैसेंजर्स थे इसलिए फैसला लिया गया था कि ट्रेन बंद कर दी जाएगी, लेकिन जब पता चला कि एक बच्ची को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ एक पैसेंजर के लिए वहां ट्रेन चलाई गई। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों का कितना सम्मान जापान में किया जाता है। जापानीज लोगों की से हैबिट कहिए या लाइफस्टाइल का हिस्सा, क्योंकि वहां पर लोगों ने अच्छी आदतों को जीवन में शुमार कर रखा है और हर पल उसको फॉलो करते हैं। 7वें नंबर की आदत है हारा हाची बू। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट ये पूरी दुनिया में यूज किया जाता रहा है अलग अलग शब्दों के साथ, लेकिन कुछ लोग इसे भूल गए समय के साथ। इसे याद रखना चाहिए, इसका मतलब है कि आप खाते वक्त 80% ही पेट भरिए, 20% जो है जगह खाली रखिए, यानी कि ओवर ईटिंग मत कीजिए, अंडर ईटिंग भी मत कीजिए, लेकिन 80% अपने स्टमक को फिल कीजिए ताकि आप बीमारियों से बच सकें, लंबी उम्र जो है पा सकें। तो हारा हाचीबू एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि जापानीज हैबिट भी बनती जा रही है। वहां पर लोग 80% ही भोजन करते हैं और चॉपस्टिक्स से इसलिए भी खाते हैं कहा जाता है ताकि वो कम मात्रा में भोजन लें, छोटे छोटे जो हैं क्वांटिटी में वो फूड लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं ताकि ओवर ईटिंग ना हो जाए। तो हारा हाचीबू आपकी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपकी हैबिट अच्छी बने और आपकी हेल्थ अच्छी बने। 8 पर आखिरी में बात कर रहा हूं एक ऐसी आदत की जो हमें अपना लेनी चाहिए। अगर हम किसी का विरोध करना चाह रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जापान में अगर कभी स्ट्राइक भी होती है तो स्ट्राइक पर जाने का अनोखा तरीका होता है। एक बार वहां बस के ड्राइवर्स ने हड़ताल की तो उन्होंने हड़ताल में बस बंद नहीं की बल्कि बस चलाते रहे, बस लोगों से पैसा लेना बंद कर दिया। इससे कंपनी का नुकसान हुआ और अल्टीमेटली ड्राइवर्स की मांगों को मान लिया गया। लोग जो हैं वो कहीं देरी से पहुंचे हैं उनका नुकसान हो जाए, ऐसा ड्राइवर्स ने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि लोगों का जो समय का सम्मान है वो हमें करना चाहिए, लोगों को हम उसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे जैसे पहुंचाते आए हैं, बस उनसे किराया नहीं लेंगे। अपने आप उनकी बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई और एक स्ट्राइक का अनोखा तरीका पूरी दुनिया में पहुंच गया कि हमेशा हड़ताल पर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप काम बंद करके बैठ जाएं, इसका मतलब ये भी होता है कि आप एक नया तरीका निकालें जिससे आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो मांग है वो सुन ली जाए, मान ली जाए। ये 8 अच्छी आदतें अपनाइए, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। नए साल की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। देखते रहिए आरजे कार्तिक के साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।